स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्यान संख्या 20 में। मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन, GLA विश्वविद्यालय मथुरा से। आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे एम्प्लॉय कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको कि हम कर्मचारी संचार के नाम से जानते हैं। शुरुआत करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से, जानने की कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय कम्युनिकेशन क्या होता है। बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, चाहे संगठन छोटी हो चाहे बड़ी हो, या फिर उसका लोकेशन कहीं भी हो, या उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव या विजन हो, उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क होना। क्योंकि हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू ऑल। अगर हम बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करेंगे, तो शायद हम उस गोल तक या उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे जो हमारा लक्ष्य है। और मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, जो बेसिक फंक्शंस हैं, जिसमें हम प्लानिंग से शुरुआत करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की बात करते हैं, ये कोई भी फंक्शन हमारे लिए कर पाना पॉसिबल नहीं होगा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो आइए इसी के साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है। कर्मचारी संचार को अक्सर किसी संगठन के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सूचना और विचारों के आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया जाता है, या वाइस वर्सा जैसे हम बोलते हैं। तो एम्प्लॉय कम्युनिकेशन क्या है? जब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉई एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जब वो अपने विचारों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, तो उसी को हम नाम देते हैं एम्प्लॉय कम्युनिकेशन का। किसी भी संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसके कर्मचारियों के साथ साथ आपके ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए कई अलग अलग चैनल उपलब्ध हों, और सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से संचार का दायरा बढ़ा दिया है। तो किसी भी संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मीडियाज़ को आप यूज़ करें, डिफरेंट मीडियम्स को आप यूज़ करें, जिसके द्वारा आप अपने कर्मचारियों से, अपने लोगों से बातचीत करते रहें। और आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इन सभी माध्यम ने हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसान और बहुत फास्टर बना दिया है किसी भी संगठन में। इसी के साथ हम आगे जानने की कोशिश करते हैं संचार का उद्देश्य क्या है, किस किस उद्देश्य के साथ हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने संगठन में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निर्देशन हेतु। अगर आप अपने कर्मचारियों को निर्देशन देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि उनको क्या कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप उन्हें कम्युनिकेट करके ही बताएंगे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उन्हें कार्य को किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन की बहुत हद तक आवश्यकता होती है। एकीकरण के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, आपके जो आपस में एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव रहता है, आप कैसे एक दूसरे को समझ पाते हैं। अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो वो जुड़ाव आप कैसे महसूस कर पाएंगे या बना पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन हो और एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड आइडियाज़ हो, उसके बाद ही इंटीग्रेशन होता है। और जैसा हम जानते हैं, कोई भी संगठन में इंडिविजुअली कार्य नहीं किया जा सकता, ये हमेशा एक टीम वर्क है, मिलके सबको साथ में कार्य करना होता है। जानकारी के लिए, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको भी आप कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों से पूछ के, पता करके, बात करके ही कलेक्ट करते हैं। मूल्यांकन के लिए आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप किसी भी एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपको उसमें कम्युनिकेशन के थ्रू उनके बारे में जानते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, उस एम्प्लॉय से बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने कार्य को किया है। उस सब के लिए आपके कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। फॉर डायरेक्शन, जो आपके सुपरवाइज़र हैं, आपको किस प्रकार से गाइड करते हैं, किस प्रकार से डायरेक्ट करते हैं कि आपको कैसे कार्य को कंप्लीट करना है, उसको अचीव करना है, उसके लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। शिक्षण कार्य हेतु, टीचिंग के लिए, जब आप लोगों को बताना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं, उन्हें टीच करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो कम्युनिकेशन का होना बहुत ही अनिवार्य है। कम्युनिकेशन प्रभावित करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पे प्रभाव डालना चाहते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप कम्युनिकेट करके, अपनी बात को बता के, अपने विचारों को उन तक व्यक्त करके ही उन पे अपना एक प्रभाव डाल सकते हैं। अदरवाइज़ किसी को आपके बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में कैसे ज्ञात होगा। छवि निर्माण के लिए एम्प्लॉइज़ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए भी कम्युनिकेशन करती हैं, क्योंकि आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं या आप क्या करते हैं, आपका जो संगठन है वो क्या कार्य करता है, समाज के लिए क्या करता है, अपने ग्राहकों के लिए क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से वो रखता है। अगर आप ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तो उनको नहीं पता होगा। तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी एक इमेज बिल्डिंग करते हैं और ये इमेज बिल्डिंग आपको फर्दर हेल्प करती है अच्छे एम्प्लॉइज़ को आपके संगठन के प्रति आकर्षित करने में। उसके साथ ही कर्मचारियों को उन्मुखीकरण करने के लिए, जो आपके यहाँ नए कर्मचारी ज्वाइन करते हैं, जो नए एम्प्लॉइज़ आते हैं, जिनको आप सेलेक्ट करते हैं, उनका ओरिएंटेशन में भी बहुत हद तक कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब वो संगठन में आते हैं, नए होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनको आप बताते हैं कि आपकी संगठन क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, उसके क्या नियम कायदे कानून हैं, किस प्रकार से उन्हें एडजस्ट करना है इस नए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में आप उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं साचार के आयाम। जो कम्युनिकेशन है उसके डायमेंशंस क्या हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके क्या नेटवर्क्स हैं, क्या साचार हैं, के आयाम क्या हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसको हमने 4 भाग में बांटा है, जिसमें सबसे पहला आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जिसको हम नीचे स्तर पे बात करते हैं। ऊपर की जब हम अपना कम्युनिकेशन ले जाते हैं तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब एक ही सामान्य लेवल पर एम्प्लॉइज़ का जब आपस में बातचीत होती है या संचार होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके साथ ही हमारा डायगोनल और क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन भी होता है, जिसमें जब किसी अन्य विभाग के कर्मचारी से, किसी और लेवल पे बैठे हुए किसी कर्मचारी से आप वार्तालाप करते हैं या उनके साथ संचार करते हैं, तो वो हमारा डायगोनल या क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, जैसा हमने कहा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से हम शुरुआत करते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिसमें आपके जो सुपरवाइज़र्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट से जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें देने हैं या जो भी उनको अपनी बात कहनी है, काम को किस प्रकार से करना है, उनको डायरेक्शन देना है, उनको उनके कार्य के प्रति फीडबैक देना है, इस प्रकार का जितना भी कम्युनिकेशन है वो डाउनवर्ड की तरफ आता है। तो कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन टू दी लोअर लेवल, ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पर जब बात की जाती है, द्वारा बात की जाती है, तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव एंड एरर फ्री डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, उसके लिए मैनेजर को बहुत हद तक ध्यान रखना है कि आपके कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप पूरी तरीके से स्पेसिफाई करें, क्लियर करें कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इंश्योर करें कि आपका जो मैसेज है, जो आप पास कर रहे हैं, वो एक्यूरेट हो, स्पेसिफिक हो, अनएम्बिगियस हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई भी किसी को उसमें समझने में दिक्कत ना हो, बहुत क्लियर और स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड होना चाहिए। यूटिलाइज द बेस्ट कम्युनिकेशन टेक्निक टू कन्वे द मैसेज टू द रिसीवर इन द राइट फॉर्म, और जब आप कम्युनिकेशन करें तो कम्युनिकेशन का जो मीडियम होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए और सही तरीके से अपनी बात को आप कम्युनिकेट करें। तो ये इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखना होना चाहिए जब आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बाद ही बात करते हैं जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाता है उसके क्या पीछे कारण होते हैं, क्यों ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है, ताकि जो सुपरवाइज़र हैं अपने एम्प्लॉइज़ को उनकी काम के प्रति उनका फीडबैक दे सकें, उनको बता सकें कि किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट का अगर कोई स्कोप हो तो उसके बारे में भी उनको गाइड करते हैं, उनको काम करने के निर्देश देने के लिए एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का हम नेटवर्क यूज़ करते हैं। प्रोवाइड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉइज़ जॉब एज वेल एज टू कम्युनिकेट दैम हाउ देयर जॉब इज़ रिलेटेड टू दी अदर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनको उनके कार्य की पूरी जानकारी देने के लिए और उनकी जॉब किस प्रकार से अन्य कार्य से, अन्य जो कार्य हैं हमारे संगठन में, उनसे किस प्रकार से सिमिलर है या मिलती हुई है, उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। कम्युनिकेटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड विजन, उनको बताने के लिए कि हमारे संगठन के क्या मिशन स्टेटमेंट है, किस तरह से हमारी संगठन अपने विजन को अचीव करना चाहती है, इसको भी हम अपने जूनियर्स के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ साझा करते हैं, ताकि उनको मालूम हो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या गोल या क्या ऑब्जेक्टिव अपना अटेन करना चाहती है ताकि वो उसी प्रकार से कार्य को कर सकें और हाईलाइट कर सकें एरियाज ऑफ अटेंशन, कहाँ पर उनको ध्यान देना है, किस कार्य को बहुत सावधानी से और ध्यान से करना है, उन सारी चीज़ों पे वो ध्यान दे सके। इसके लिए ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए किया जाता है जिसका बेसिकली ये जो फ्लो है वो लोअर से अपर आता है, नीचे से ऊपर की तरफ जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन जो है वो ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं, नीचे कार्य कर रहे हैं जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने परफॉर्मेंसेस को कन्वे कर सकें अपने सुपरवाइज़र को। तो किसी भी संगठन में उच्च स्तर तक प्रभावित होने वाले संचार को ऊर्ध्व संचार कहा जाता है। यह इस बात पर फीडबैक देता है कि संगठन कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अधिसत अपनी समस्याएं और प्रदर्शन को अपने वरिष्ठों तक पहुंचाने के लिए ऊर्ध्व संचार का उपयोग किया जाता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन को जो हमारे जूनियर लेवल पे लोग कार्य कर रहे होते हैं या लोअर लेवल पे जो लोग कार्य कर रहे होते हैं, वो अपनी समस्याओं को सब बताने के लिए, अपनी ग्रीवियांसेस अगर उनके मन में है तो उन सबको बताने के लिए इस प्रकार के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन जिसकी हमने बात की थी, ये किसी भी संगठन के पदानुक्रमांक के समांग स्तरों पर होने वाले संचार को प्रशव संचार कहा जाता है, अर्थात साथियों के बीच, समान स्तर पर प्रबंधकों के बीच या किसी सतेश रूप से सक्षम संगठन संगठनात्मक सदस्य के बीच जब संचार होता है तो उसको हम लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब आपस में सामान्य लेवल पे जब एम्प्लॉइज़ कार्य कर रहे होते हैं तो उनके बीच में जो वार्तालाप होती है या उनके बीच में जो संचार होता है उसको हम लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसको करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले ये समय बचाता है क्योंकि डायरेक्टली अगर आप सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉई से बात करना चाहते हैं या मैनेजर से बात करना चाहते हैं तो आपको कहीं ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, तो आपका ये समय बचाता है। कोऑर्डिनेट करने में, काम को कोऑर्डिनेट करने में ये आपको मदद करता है क्योंकि जब आप सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज़ के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनसे जब आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं तो बेहतर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में आप अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने में मदद करता है। इमोशनल और सोशल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करता है क्योंकि जब एक ही लेवल पे एम्प्लॉइज़ आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपनी समस्याओं के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कैसे उनको एक इमोशनल और सोशल असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है, अगर कोई परेशानी है तो उसको भी ये रिमूव करने में आपको हेल्प करेगा। विद इन द डिपार्टमेंट एज वेल एज द डिपार्टमेंट के बाहर भी अगर कोई विवाद है उसको भी ये सॉल्व करने में मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन की। ये क्रॉस वाइज और डायगोनल कम्युनिकेशन ज़्यादातर उनके साथ होता है जब हम किसी और विभाग के किसी और लेवल के कर्मचारी के साथ जब हम बात कर रहे हैं, जब सेम पोजीशन पे नहीं है और डिफरेंट पोजीशंस पे जब एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं तो उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन या क्रॉस कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। एक प्रबंधन और अन्य कार्य समूह के कर्मचारियों के बीच होने वाला संचार विकर्ण संचार कहलाता है। यह आमतौर पर संगठनात्मक चार्ट पर दिखाई नहीं देता है। ये कॉमनली एक मेथड, एक तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, बट येस दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन माइट ऑल्सो बी पॉसिबल। अब हम बात करेंगे संचार के चैनल कैसे हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली दो तरीके के चैनल्स को हम क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है हमारा संचार का औपचारिक चैनल और एक होता है अनौपचारिक चैनल जिसको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक जो बहुत कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में, जिसमें हम औपचारिक चैनल की बात कर रहे हैं। जहाँ पर हमने इसके साथ ये वर्ड जोड़ दिया है फॉर्मल, तो जितनी भी यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी संचार हो रहा है, वो केवल और केवल संगठन के बारे में और संगठन के लिए ही हो रहा है और संगठन के द्वारा ही हो रहा है। तो जो भी हमारा जो संचार है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, उसकी पॉलिसीज़, उसकी स्ट्रैटेजीज़, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसकी गाइडलाइंस, जितना भी इन सब से रिलेटेड एक फॉर्मल वे में होता है कम्युनिकेशन, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी संगठन के विनियमित पूर्व निर्धारित चैनलों पर प्रसारित होने वाले संदेश औपचारिक संचार का निर्माण कर रहे हैं। संचार की सामग्री, संगठन की गतिविधियां, कार्य और उनसे संबंधित किसी भी चीज़ से संबंधित है। औपचारिक संचार में मौखिक संदेश भी हो सकते हैं, आपके वर्बल मैसेजेस भी हो सकते हैं, आपके नॉन वर्बल मैसेजेस भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं या लेटर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, टेलीफोनिक मैसेजेस भी हो सकते हैं, रेडियो मैसेज भी हो सकते हैं, प्रिंटेड मीडिया के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं या आपके इंटरनल नोट्स हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से कोई भी माध्यम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जब फॉर्मल वे में आप कम्युनिकेट करते हैं, एक चैनल फ्लो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। A formal channel of communication transmit information such as goals, policies and procedure of the organization। जैसा मैंने बताया आपको, यह आपके संगठन के goals, policies और objective को communicate करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो मैसेज है वो आपके chain of command को follow करता है, which means the information flows from manager to the subordinates to pass the information for the further next level of staff। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कंपनी का न्यूज़लेटर जो आपके एम्प्लॉइज़ को, एक क्लाइंट्स को एक क्लियर आइडिया देता है कि आपकी कंपनी के गोल्स क्या हैं, आपकी कंपनी के विजन क्या हैं, और ये इंक्लूड करता है जैसे मेमोरेंडम, आपकी कंपनी के रिपोर्ट्स, उनकी शेड्यूल मीटिंग इन दी चेन ऑफ कमांड। अ बिजनेस प्लान, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, एनुअल रिपोर्ट, एम्प्लॉय मैनुअल्स, रिव्यू मीटिंग आर ऑल ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये जितने भी जरिए हैं, जितने भी तरीके हैं, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के ही सोर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की, जो अलग हटके, जब हम आपस में अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे जब हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जब हमारी जानकारियाँ होती हैं, तो उस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। अनौपचारिक उन सभी चैनलों से उत्पन्न होता है जो औपचारिक चैनलों के बाहर होते हैं और इसे ग्रेप वाइन के रूप में भी जाना जाता है। तो जो फॉर्मल के अलग हटके जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जो भी संचार आप संगठन में करते हैं, वो सारा ही अनौपचारिक चैनल के थ्रू होता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हम इसको नाम देते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन। जानने की कोशिश करते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस तरीके का है। जैसे हम ग्रेप वाइन इसको कहा इसीलिए जाता है क्योंकि इसका कोई एक फॉर्मल पैटर्न नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में कभी भी कैसे भी फ्लो कर सकता है। ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। तो ग्रेपवाइन एक इनफॉर्मल चैनल है कम्युनिकेशन का और ये स्ट्रेच करता है अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ अथॉरिटी लेवल। हो सकता है कंपनी का टॉप सीईओ जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल एम्प्लॉय से बात कर ले इनफॉर्मल फॉर्म में। तो किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आप ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसमें कोई अथॉरिटी या लेवल डिफाइन नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं इंसान एक सोशल एनिमल है, तो उसको बात करने के लिए, उसको चीज़ें डिस्कस करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। वो अपनी बात जो करते हैं इनफॉर्मल स्टाइल में, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास ग्रेप वाइन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन में। मान लीजिए किसी वजह से आपके पास इस तरह की र्यूमर आती है, आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया हो किसी साल और लोगों ने इस बात पर चर्चा करना शुरू कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में कि क्योंकि संगठन को बहुत अच्छा लाभ हुआ है तो इस बार सभी कर्मचारियों को जो नियोगकर्ता हैं वो बोनस देंगे। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू आई है, इनफॉर्मल चैनल के थ्रू आई है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। लेकिन अगर यही इन्फॉर्मेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू आपके पास आती, जिसमें लिखा होता जस्ट बिकॉज कि आपके संगठन ने इस बार बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है और वो सोच रही है कि अपने सारे ही कर्मचारियों को इस बार अच्छा बोनस देगी, तो ये बात बिल्कुल सही 100% होती क्योंकि ये फॉर्मल वे में आपने रिसीव किया है इन्फॉर्मेशन। लेकिन इनफॉर्मल इन कम्युनिकेशंस का कोई गारंटी नहीं होती कि वो सही है या गलत है। इसमें दूसरा आप ये भी देख सकते हैं, जैसे सीईओ हो कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मे बी इन हैविंग अ गुड रिलेशन विद द प्रोडक्शन मैनेजर, दे मे हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद ईच अदर। जैसा हमने कहा इसमें कोई अथॉरिटी का बाउंडेशन नहीं है, उसी कंपनी का जो मालिक है, सीईओ है, उसका हो सकता है कि प्रोडक्शन मैनेजर के साथ या फाइनेंस मैनेजर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो, वो साथ में अच्छी फ्रेंडशिप रखते हो, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं अदर देन दी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ एंड रोल्स एंड डिस्कशन, तो उस तरीके की कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस, जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले हम कहते हैं ग्रेप वाइन चैनल जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी कैरी करता है, इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो बहुत फास्ट होता है. एज सून एज एम्प्लॉय गेट टू नो सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ही becomes inquisitive and passes the details then to his closest friends who in turn passes it to other, thus it spreads hastily. जिसका मतलब ये है कि ये जो एक तरीके का नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ग्रेपवाइन की तरह फैला हुआ होता है. और जैसा कि हम मानते हैं कि हम किसी से कहते हैं कि ये बात किसी तक ना जाए तो वो बात ज़्यादातर सब तक पहुँचती है, उसी तरीके से इस कम्युनिकेशन का फ़्लो होता है कि आपको अगर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको लगता है कि ये बहुत इंक्विजिटिव इन्फॉर्मेशन है, आप एक से साझा करते हैं, वो दूसरे से, वो तीसरे से, और इस प्रकार से ये पूरे संगठन में फैल जाती है. मैनेजर गेट टू नो द रिएक्शन ऑफ देयर सबॉर्डिनेट ऑन देयर पॉलिसीज़, फीडबैक ऑब्टेन इज क्विक कम्पेयर टू द फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. कई बारी जो मैनेजर्स हैं वो इसको फीडबैक लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो ये जानकारी करने के लिए भी कई बार इस प्रकार की र्यूमर्स को स्प्रेड करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉइज़ का इस पर क्या धारणा है, वो किस प्रकार से अपना मत इस चीज़ के लिए रखते हैं. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द एम्प्लॉइज़ हु शेयर देयर एंड डिस्कस देयर व्यूज़ विद ईच अदर. ये क्या करता है, उन लोगों में आपसी संबंध भी बेहतर बनाता है. जो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और इस तरीके के कम्युनिकेशन नेटवर्क को इन्जॉय करते हैं और अपने साथ एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कई बार एम्प्लॉइज़ को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनको अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी चीज़ों को वो इमोशनली एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं. एंड ग्रेपवाइन इज़ दी सप्लीमेंट इन दोज केसेस वेयर फॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट वर्क. तो उस केस में ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है जहाँ पर संगठन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से कार्य नहीं करता है. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिसमें हम शुरुआत करते हैं. ग्रेपवाइन कैरीज पार्शियल इन्फॉर्मेशन, एट टाइम्स इट इज़ मोर बेस्ड ऑन र्यूमर्स, दस इट डज नॉट क्लियरली डिपिक्ट द कंप्लीट स्टेट ऑफ अफेयर्स. कई बार क्या होता है कि इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है वो पूरी नहीं होती, आधी अधूरी बात सुनकर लोग अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं और उसी पर र्यूमर्स को फैला देते हैं, जिसकी वजह से कई बार गलत धारणाएं भी बन जाती हैं और गलत सोच लोग विकसित कर लेते हैं. ग्रेपवाइन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी always and does not follow official path of communication and is spread more by gossip and unconfirmed report. तो ये क्या है कि आपके पास कभी पुख्ता सबूत नहीं होते हैं, पुख्ता आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन आप इसको इसी तरीके से बस फैला देते हैं. तो इस तरीके से रिसीव हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होती है. द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय में बी हैम्पर्ड एज दे स्पेंड मोर टाइम इन टॉकिंग रादर देन वर्किंग. ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस पर्टिकुलर फीड उसका चैनल का, कि लोग क्या करते हैं ज़्यादातर अपना समय इन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं. काम करने की बजाय वो बस बात ही करते रहते हैं कि अब क्या हो रहा है और क्या संगठन के नियोगकर्ता कर रहे हैं. ग्रेपवाइन लीड्स टू मेकिंग हॉलेस्टी अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव. ये कई बारी आपके जो विचारधारा है उसको थोड़ा सा नेगेटिव बना देती है आपके एग्जीक्यूटिव्स के प्रति, अगर आपको गलत र्यूमर्स बार बार सुनने को मिल रही हैं. और ग्रेपवाइन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, वो इस पर इफ़ेक्ट डालने लगती है, क्योंकि ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस को कैरी करती हैं अबाउट दी हाई लेवल ऑफ पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जो आपके संगठन के उच्च स्तर पे लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके बारे में एक नेगेटिविटी फैलाती है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है, गुडविल है, उस पर भी कई हद तक इम्पैक्ट पड़ता है. आगे जानते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. जो संचार के कार्य हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जानकारी देना, कम्युनिकेशन हम इसलिए करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बात इसलिए की जाती है ताकि आप चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, उनको नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल कर सकें. बिना कम्युनिकेशन के थ्रू आप कैसे चीज़ों को नियंत्रण करेंगे, कैसे उन पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, वो बड़ा मुश्किल होगा. लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उनसे किसी प्रकार का कार्य कराना, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन करना होता है. एंड इमोशनल एक्सप्रेस एंड इंटरडिपेंडेंस. जब आप लोगों को इमोशनली अटैच करना चाहते हैं, एक इंटरडिपेंडेंस, एक इंटर रिलेशनशिप आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. अब हम बात करते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी के आने से, तकनीकी बढ़ोतरी होने से किस प्रकार से कम्युनिकेशन में बदलाव आए हैं या सुधार आए हैं. टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज बिजनेस इन मैनी वेज बट इट्स इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन इज़ आर्ग्यूएबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेली बिजनेस ऑपरेशंस इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी से हमारी कम्युनिकेशन में बहुत सारे बदलाव आए हैं और हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है, क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं. कम्युनिकेशन हमारा जो है वो बहुत फास्टर हो गया है टेक्नोलॉजी के आने से। अब हमें डिले नहीं लगता है, हम अपनी बात को दूर देश तक बैठे लोगों तक बहुत जल्दी और तुरंत पहुंचा सकते हैं। हमारे पास एक्सपेंडेड कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हम बहुत सारे तरीक़ों से लोगों से साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई एक ज़रिया नहीं है जिस माध्यम को हम इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच सकें। हमारे पास बहुत विभिन्न प्रकार की तकनीकियां हैं जिसके द्वारा हम लोगों से बात कर सकते हैं। इन सारी तकनीकियों से हमारी कॉस्ट भी कटिंग हुई है। पहले के ज़माने में लोगों से कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता था जिसमें पेमेंट भी हमें ज़्यादा करना पड़ता था, लेकिन आज के समय में वो फास्टर भी हो गया और इकोनॉमिकल भी हो गया है। नेटवर्क कन्वीनियंस हो गया है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से नेटवर्क क्रिएट करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। तो ये सारी तकनीकियाँ या ये सारे आपके बिज़नेस कम्युनिकेशन में बदलाव आए हैं बेहतर टेक्नोलॉजी के होने के कारण। इसके बाद ही हम बात करते हैं की एरियाज़ ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट की। अब हम बात करेंगे कि एरियाज़ ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन बहुत हद तक इन्वॉल्व रहता है और उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। संबंध बनाए रखने के लिए, अगर हम चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर संबंधों को बनाए रखने के लिए, तो कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। कर्मचारी को काम पर लगाए रखना या उसको इंगेज रखना, किस प्रकार से वो इन्वॉल्व रहें, उनकी पहचान बनाना, उनकी कोचिंग के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग से। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ अ की डिसिप्लाइन टू मास्टर। बेसिकली जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग कर लेते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो आपके लिए समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना बहुत आसान हो जाता है और टाइम टू टाइम आपको फीडबैक भी मिलता रहता है जो आपको एक्चुअल में पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं और उस डेवलप रिलेशनशिप से आपको उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सब प्रकार के फीडबैक मिलते रहते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से आप इस कार्य को और बेहतर कर सकते हैं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट में ये बहुत हद तक आपको मदद करता है। जो वन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है इज़ टू इंक्लूड एम्प्लॉयज़ इन ऑन प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट, अलाउइंग देम टू गिव देयर इनपुट्स। In short, if employees truly feels like that they are the part of the process, they will connect to the project in a more meaningful way and do the high quality work. तो बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व रखिए, उनको अपने साथ प्रोजेक्ट्स में लेकर आइए ताकि वो अपना इन्वॉल्वमेंट समझ सकें और जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करेंगे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो कार्य को और बेहतर तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट करने में आपको मदद करता है। एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करने में, एवरी मैनेजर शुड लर्न हाउ टू प्रॉपरली रिकॉग्नाइज द एम्प्लॉय इन दी वर्क प्लेस। कैसे उनको हमें रिवॉर्ड करना है, रिकॉग्निशन देना है ताकि जो वो कार्य कर रहे हैं उनकी हम सराहना करते रहें, लोगों को कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करें कि उनका जो कार्य है वो बेहतर था, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। इससे वो अपने कार्य को करने के प्रति और ज़्यादा प्रेरित होते हैं और खुश होते हैं जब उनके कार्य को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन्हें इसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है। तो रिकॉग्निशन एंड एम्प्लॉय फॉर देयर हार्ड वर्क शोज़ दैट दे हैव गिवन देयर वैल्यू कंट्रीब्यूशन टू दी ऑर्गेनाइजेशन और इससे उनकी जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। एम्प्लॉय को कोचिंग देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको मेंटर करने के लिए, इन डेप्थ कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन का होना। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप उनके साथ बात नहीं करेंगे तो आप उनको गाइड नहीं कर पाएंगे, उनको कोच नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार से उन्हें अपने कार्य को बेहतर करना है। कम्युनिकेशन इज़ मोटिवेटिंग। कम्युनिकेशन के द्वारा आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। जैसा हम कह रहे हैं, कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफ फोर्स। इफ़ एम्प्लॉयज़ नोज वेयर दे स्टैंड इन दी वर्क प्लेस, दे फील कंफर्टेबल इन दी एनवायरमेंट एंड दे विल बी मोटिवेटेड टू डू दी गुड वर्क। अगर एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, किस प्रकार से उनके कार्य की सराहना हो रही है, उनकी वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ें अगर उनको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट की जा रही हैं तो वो अपने कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस इन मैनेजरियल कम्युनिकेशन की। मैनेजरियल कम्युनिकेशन में कैसे हम उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर एम्प्लॉयज़ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद ईच अदर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट दी वर्क प्लेस। आप चाहते हैं जब आपके एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छी समझदारी बन सके, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सके जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। एम्प्लॉयज़ डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन एंड जनरली ओवर बर्डन एंड इवेंचुअली फेल टू डिलीवर देयर बेस्ट। Effective managerial communication enables the flow of information and knowledge among employees in their desired form. तो जब आप अपने कम्युनिकेशन करते हैं, कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनको बहुत कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें उनके नॉलेज में होती है, लेकिन जब वो कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं. तो जो मैनेजरियल कम्युनिकेशन है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उन्हें बताती है सही प्रकार की नॉलेज और जानकारी कि उनको कार्य किस प्रकार से करना है, तो वो अपने कार्य को बेहतर प्रकार से कर पाते हैं. मैनेजर नीड टू इंटरैक्ट विद देयर टीम मेंबर्स टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ देम. उनको बात करना पड़ता है मैनेजर्स को, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो बेस्ट है उसको वो बाहर निकाल सकें. बात किए बिना वो कैसे पहचानेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल्स को, उनकी वर्थ को, और उन्हें कैसे समझ पाएंगे कि ये क्या करने में सक्षम है. तो प्रॉब्लम रिमेन अनसॉल्व्ड इफ़ द एम्प्लॉयज़ डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर and discussions goes a long way in reducing confusion and also improve the relations among manager. तो काम बात करने से, जैसे हम कहते हैं बात करने से बात बनती है, so वही बात हम यहाँ कर रहे हैं. कम्युनिकेशन करने से आप अपने लोगों को जानते हैं, उनकी समस्या को पहचानते हैं और सही डिसीजन मेकिंग करने में ये आपको मदद करता है. कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं? व्यावसायिक संचार जब आप करते हैं तो क्या बाधाएं आपको देखने को मिलती हैं, उसमें हम इन प्रकार से बाधाओं को समझने की कोशिश करते हैं. फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स कई बार सामने आते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स हैं, पर्सनल बैरियर्स आते हैं, कई बार इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर्स भी आते हैं, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स देखने को मिलते हैं, कल्चरल बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. जिसमें शुरुआत करते हैं हम फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स की. फिजिकल बैरियर में सबसे पहले आता है शोर. अगर आप इस जगह पर ऐसी जगह पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं जहाँ बहुत सारी नॉइजेज़ हों या जहाँ बहुत सारा शोर हो, तो तब कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, आप अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं. जब समय और दूरी ज़्यादा हो या टाइम जोन में अंतर होता है, दो देश के लोग जो अलग अलग टाइम जोन में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या बहुत डिस्टेंस पे अगर आप बैठ के बात कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट आता है. क्या आपने, जब आप माध्यम गलत चुन लेते हैं, जब आपका कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो गलत है, तो आप सही प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और आपकी जो सराउंडिंग है, आसपास के जो लोग हैं, वो भी कई बार कम्युनिकेशन में एक बाधा के रूप में आते हैं. शारीरिक बाधाएं क्या हैं, जिसको हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में कहा है. फिजिकल बैरियर्स रिलेटेड टू दी पर्सनल हेल्थ एंड फिटनेस. पर्सन की एक हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड होता है. अगर मान लीजिए किसी पर्सन की आईसाइट पुअर है, डेफनेस है, या अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स हैं, तो इसकी वजह से भी कई बारी कम्युनिकेशन में नेटवर्क आता है. जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं या फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से सेंडर और रिसीवर की बातचीत में कोई ना कोई बाधाएं आती हैं. इसके बाद आता है कि सिमेंटिंग और लैंग्वेज बैरियर. सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं शब्दों में गलत व्याख्या, मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ दी वर्ड. अगर आप गलत के गलत अलग मीनिंग निकाल लें, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर लें, मिसअंडरस्टैंड कर लें, तो कहीं ना कहीं उसमें बाधा आएगी कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं और सामने वाले ने कुछ और समझ लिया. टेक्निकल वर्ड्स का अगर आप इस्तेमाल करने लगें जो सामने वाले को नहीं पता है, मान लीजिए आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, और सामने वाला आपके उन तकनीकी शब्दों को नहीं जानता है, तो उसके लिए वो कम्युनिकेशन में बाधा आएगी समझने में. एम्बिग्यूटी, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती है, चीज़ जो आप बताना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं वो क्लियर नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसको समझने में दिक्कत आती है. इसके साथ ही कुछ व्यक्तिगत बाधाएं आती हैं, पर्सनल बैरियर्स जिनको हम बोलते हैं. संचार प्रकृति में पारस्परिक है. इस प्रकार कुछ बाधाएं हैं जो सीधे संचार प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों यानी प्रेरक और प्राप्तकर्ता से जुड़ी होती हैं, जो संदेश में सटीक हस्ताक्षरण को प्रभावित करती हैं. इन्हें व्यक्तिगत बाधाएं कहा जाता है, जो बेसिकली सेंडर और रिसीवर के अपने पर्सनल आस्पेक्ट से रिलेटेड होती हैं, जैसे उनकी एज, उनकी एजुकेशन, उनके इंटरेस्ट, उनके नीड्स, उनके इंटेंशन. कई बारी हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं जिसमें एज का डिफरेंस है, तो शायद वो बात आपको समझ में नहीं आए उस उम्र पे, जिस उम्र पे आपको, जिस उम्र की बात आपसे की जा रही है. आपके एजुकेशन लेवल में डिफरेंस हो, आपके इंटरेस्ट में डिफरेंस हो, आप उस बात पे जिस पे बात हो रही है उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा. तो व्यक्तिगत बाधाएँ उम्र, शिक्षा, रुचियों और ज़रूरतों या इरादों से संबंधित होती हैं, जो हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती हैं, डिफरेंस होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं. तो इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं उसको हम पर्सनल बैरियर्स का नाम देते हैं. इसके बाद आपके भावनात्मक और अवधारणात्मक बाधाएं होती हैं, जो हम इमोशनल और परसेप्शन के बेसिस पे बना लेते हैं. अवधारणात्मक बाधाएं व्यक्तिगत बाधाओं से निपटारे से जुड़ी हुई हैं। व्यक्तिगत बाधाएं उद्देश्यों और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती हैं, जबकि भावनात्मक या अवधारणात्मक बाधाएं एक अतिरिक्त आयाम में होती हैं जिसमें भावनाएं और भावनाएं भी शामिल होती हैं। तो इंडिविजुअल के इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर कैसे हैं, उसके मोटिव्स कैसे हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो किस प्रकार की सोच रखता है या उसकी जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो किस प्रकार का है, वो भी कई बार हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इसके बाद आपके सोशियो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं जिनको हम सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहते हैं। जैसे कई बारी लोगों के सोच में परसेप्शन में अंतर होता है। हम कई बार ऐसा कहते हैं कि एक ही चीज़ दो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिखती है। आधे लोग कहते हैं कि ग्लास आधा खाली और आधे कहते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है, तो जो एक कॉमन एग्जाम्पल हम यूजुअली लेते हैं। तो ये हमारी जो परसेप्शन है, जिस तरह से हम उस चीज़ को परसीव करना चाहते हैं, जब कैसा मुझ जैसा, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे परसेप्शन बना लेते हैं, चीज़ों में धारणाएँ बना लेते हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके बाधाओं के रूप में आती हैं। प्रिजुडाइसेस आपने पहले से ही अपने मन में पूर्वग्रहों को मान लिया है, आप ये सोच के आए हैं कि ऐसा ही होता है या ऐसा ही किया जाता है, या ये आपने धारणा बना ली अपने मन में, पूर्वग्रहों के वो अपने मन में बिठा लिया है कि ये चीज़ तो ऐसे ही होती है या लड़कियां ऐसे ही करती हैं, महिलाएं ऐसे ही करती हैं, तो ये कार्य पुरुष के लिए ही है। तो आप इस तरह की धारणाओं के साथ कार्य करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, कई बारी बहुत अधिक जानकारी भी बाधाओं के रूप में साबित होती है। लेस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो हार्मफुल और ओवर इन्फॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो अगर आपके पास बहुत अधिक जानकारी है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है। कई बारी सांस्कृतिक बाधाएँ आती हैं। सांस्कृतिक बाधाएँ इसलिए आती हैं क्योंकि लोगों के कल्चरल्स में डिफरेंसेस होते हैं, अपनी चीज़ों को समझने में उनके डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं, उनके वर्ड्स, उनके गेस्चर, उनके बिहेवियर, सोशल वैल्यूज़, बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनके टाइम, डिस्टेंस, सोशल बिहेवियर, मैनर्स, स्टैंडर्ड्स, इन सब में अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब आप अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, अलग अलग संस्कृति को आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी चीज़ें, आपकी सोच, आपकी धारणाएं, आपके गेस्चर, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अलग और डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कई बारी जो हमें बाधाएं देखने को मिलती हैं उसको हम सांस्कृतिक बाधाओं का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स तब आते हैं जब आपके गोल्स में कन्फ्लिक्ट हो। आप कुछ पाना चाहते हैं और आपकी संगठन कुछ और पाना चाहती है, तो जब उसमें एकता नहीं होगी, उसमें समानताएं नहीं होंगी, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ज़रूरी है आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो गोल हैं, वो कन्फ्लिक्ट्स ना करें। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को कई बार समझने में, बताने में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, जिस फॉर्म में आपने डिवीज़न किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसमें भी ये बाधाएँ लाता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में फ़िल्टर क्या है। फ़िल्टर इन बिजनेस कम्युनिकेशन, फ़िल्टरिंग कुछ प्रभावों या पूर्वग्रहों में लागू करके संदेशों की व्याख्या को बदल रही है। प्राप्तकर्ता अपने अनुभव के अनुसार संदेश को फ़िल्टर करेगा और परिणाम स्वरूप संदेश की व्याख्या इच्छित उद्देश्य से बहुत भिन्न हो सकती है। फ़िल्टरिंग का परिणाम यह है कि गलतफहमी हो सकती है जिससे अप्रत्याशित प्रतिक्रिया हो सकती है। फ़िल्टरिंग, जैसे इसका नाम है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे उस मैसेज को अलग तरीके से आप इंटरप्रेट करने लगते हैं। रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को फ़िल्टर कर देता है अपने एक्सपीरियंस की वजह से और उसको किसी और तरीके से ही प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से कई बारी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं और अनएक्सपेक्टेड आपको रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई बात कम्युनिकेट करें, उसको अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको तोड़े नहीं, मोड़े नहीं या उसमें कुछ और जोड़े नहीं, जिसकी वजह से आपका जो मैसेज है, किसी ने शायद कुछ और कहा है और आप उसको अलग ही तरीके से उसको आगे फर्दर कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां आ सकती हैं। तो वो फ़िल्टरिंग कहलाता है। और फ़िल्टरिंग के कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहले उसमें लैंग्वेज आता है। कई बारी जो रिसीवर है वो आपकी लैंग्वेज को, आपकी बात को नहीं समझ पाता, आपके थॉट्स और आइडियाज़ को नहीं समझ पाता। आप जो कह रहे हैं वो उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है, इसकी वजह से आप अपने ही हिसाब से उसको समझ लेते हैं। आपके कल्चर में डिफरेंस होता है, जो रिसिपेंट है अपने कल्चर को, अपने एनवायरनमेंट को उस तरीके से नहीं समझ पाता है, तो वो अपने हिसाब से अपनी बात को जोड़ लेता है। सिमेंटिक बैरियर्स आ जाते हैं। आप मैसेज को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो आपने शब्दों को यूज़ किया है या जिस तरीके की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सामने वाले को नहीं समझ में आता। जो नॉलेज बेस है उसमें डिफरेंस है सेंडर और रिसीवर की, तो कई बार लोग अपनी ही समझ के हिसाब से उसको समझ लेते हैं। और इम्प्लीकेशन मतलब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज में भी बेस्ड ऑन अजम्पशन। An extreme example of implication is sarcasm, where the opposite of what is meant to be interpreted is said. कई बार आप बात करते हैं sarcastic way में, ठीक है, आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन लोग उसको अलग तरीके से समझ लेते हैं। तो ये सारे जो कारण हैं वो फिल्टरिंग की वजह से हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस व्याख्यान के जो हमारे स्रोत हैं जो हमने लिए हैं इस व्याख्यान के कंटेंट को कवर करने के लिए, वो ये हमारे सोर्सेज हैं। लेकिन आज हम इस व्याख्यान को इसके साथ यहीं समाप्त नहीं करेंगे, इसमें हम बात करेंगे फर्दर अपने शुरुआत से अपने कोर्स को, जो मानव संसाधन का जो ये हमारा 20 घंटे का लेक्चर कोर्स है उसके जो टॉपिक्स हमने शुरू से डिस्कस किए हैं उसको मैं आपको दोबारा से एक बार यहाँ पे रिव्यू फॉर्म में बताना चाहूँगी। शुरुआत लेक्चर 1 से जब हमने की थी उसमें हमने सबसे पहले जानकारी की थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक इंट्रोडक्शन के बारे में, एक परिचय के बारे में कि मानव संसाधन क्या है, इसके आज के समय पे क्या ज़रूरतें हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस प्रकार से हम इसका पालन अपने संगठनों में कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमने अपने व्याख्यान संख्या 1 में करी थी, जिससे आपको पता चला था कि मानव संसाधन क्या होता है। दूसरे व्याख्यान में हमने शुरुआत करी थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, जो कि बहुत ज़रूरी है, मानव संसाधन का विकास किस प्रकार से हो। जैसा कि हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं, कोई भी संगठन अपने मानव संसाधन के बिना कार्य नहीं कर सकती और बहुत ज़रूरी है कि संगठन में मानव संसाधन का हम पूर्णतः विकास करें। अगर उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो आपके जो एसेट हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो दिन प्रतिदिन ग्रो करेंगे और जब उनके स्किल्स नॉलेज ग्रो करते हैं तो उसके साथ साथ आपके संगठन की भी वृद्धि होती है। तो इसमें हमने बात करी थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे किया जाए, सरकारी कार्यालयों में, डिफेंस में, हेल्थ सिस्टम में, सर्विस सेक्टर में, या जो खुद के फैमिली ओन्ड बिजनेस में, उसमें हम किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं। तीसरे व्याख्यान में हमने चर्चा करी थी जॉब एनालिसिस की और जॉब रिडिज़ाइन की, जिसमें आपको कार्य विश्लेषण के बारे में पता चला था कि नौकरियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए और नौकरियों के विश्लेषण करने से हमें क्या जानकारी मिलती है। हमें पता चलता है कि डिफरेंट कार्ड्स पे क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, किस प्रकार के कार्य की हमारे यहाँ ज़रूरत है, उसको कार्य को पूरा करने की किस तरह के कर्मचारी की ज़रूरत होती है, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं, कितने लोगों की आपको ज़रूरत होती है, उस प्रकार से आप रिक्रूटमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। नौकरियों को आप डिज़ाइन कैसे करें, उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं, जॉब सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आप, जॉब रोटेशन कर सकते हैं, जॉब एनरिचमेंट कर सकते हैं और जॉब इन्हांसमेंट आप कर सकते हैं। तो ये आपके कॉम्पोनेंट्स होते हैं जॉब डिज़ाइन के, जिनको हमने व्याख्यान नंबर 3 में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने बात करी थी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, मानव संसाधन योजना। मानव संसाधन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी संगठन में आपको ये जानकारी होना अनिवार्य है कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, उसके कितने क्या उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, इन सारी चीज़ों को आपने, इसकी तकनीकियाँ क्या हैं, इसको प्रोसेस को टेकअप करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आप करते हैं क्योंकि प्लानिंग आपको मदद करती है कि फ्यूचर में आपको किस प्रकार से कार्य करना है, किस तरह से एम्प्लॉइज़ को सर्च करना है, रिक्रूट करना है और उनको सही जगह पर प्लेस करना है, ताकि आप अपने संगठन का जो गोल है, जो उद्देश्य है, उसको आप पूरा कर सकें। इसके बाद हमने व्याख्यान नंबर 5 में बात करी थी कर्मचारी भर्ती की। कर्मचारी भर्ती क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पूल ऑफ एप्लीकेशंस को कलेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संगठन में जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए वो अप्लाई कर सकें, ताकि हम उनमें से बेहतर कैंडिडेट को चूज़ कर सकें। तो इसकी नीति, इसकी प्रक्रिया, इसकी आपूर्ति के स्रोत, भर्ती के तरीके और तकनीकी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। उसके बाद व्याख्यान नंबर 6 में हमने बात करी थी एम्प्लॉई सिलेक्शन की, जिसको हम कर्मचारी चयन कहते हैं। कर्मचारी चयन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसी के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ पर बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करें। अगर हमारे यहाँ राइट कैंडिडेट होगा तो ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और गोल डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो इसमें हमने इसकी प्रक्रियाएँ, उसके चयन, प्रशिक्षण, उसके समूह की चर्चा की थी। सकारात्मक साक्षात्कार तकनीकों के बारे में हमने बात करी थी, उसके प्रोसेस के बारे में बात करी थी। तो ये सारा चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी वो हमने व्याख्यान नंबर 6 में बात करी थी। इसके बाद हमने व्याख्यान नंबर 7 में कर्मचारी प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की थी। कर्मचारी प्रशिक्षण क्या होता है, क्यों ज़रूरत होती है इसकी, इसका महत्व क्या है। आज के ज़माने में, आज के समय में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये संगठन जान चुकी हैं, समझ चुकी हैं कि उनकी जो ग्रोथ होगी, उनकी जो डेवलपमेंट होगा वो तभी होगा जब उनके एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। और वो कैसे होगा, उनको सही शिक्षा देकर, उनको नॉलेज देकर कि किस प्रकार से कार्य को आगे बढ़ाना है। इसके बाद व्याख्यान नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था कार्यकारी विकास, जिसको हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कहते हैं। हमने शुरुआत करी इसके परिचय, महत्व, कार्यकारी विकास के प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रक्रिया, उसके कार्यकारी विकास के तरीके क्या होते हैं, उसकी योजनाएं, विकास उद्देश्य और प्रक्रिया क्या है। इन सब चीज़ों पे, इन सब बातों पे हमने चर्चा की थी व्याख्यान नंबर 8 में। व्याख्यान नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था परफॉर्मेंस अप्रेजल। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता करें, ताकि आपको जब उसको प्रमोट करना है या उसको आगे ले जाना है या किस प्रकार से उसको रिवॉर्ड करना है, उसके बारे में आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको मदद करती हैं आपके कर्मचारी का मूल्यांकन करने में, उसका प्रदर्शन करने में, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी महत्व क्या है, उसकी तकनीकियाँ क्या हैं, किस प्रकार से आप उसके मूल्यांकन को करते हैं, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हमने व्याख्यान नंबर 9 में की थी। इसके बाद हमने बात करी थी वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की अपने व्याख्यान संख्या 10 में, जिसमें हम वेतन और वेतन को किस प्रकार से प्रशासित करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि परिचय, वेतन और वेतन प्रशासन के सिद्धांत, स्वर्ण वेतन और वेतन प्रशासन की अनिवार्यता, वेतन और वेतन प्रशासन और प्रभावित करने वाले कारक, वेतन भुगतान के तरीके और वेतन निर्धारित की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी और वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कितने भी कर्मचारी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है वो यही होता है। इसके लिए आप जब भी अपने संगठन में वेतन या सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन करें तो वो बहुत ध्यान से करें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इससे इम्पैक्टेड रहते हैं उनको आप प्रॉपरली कंसिडर करें। इसी के साथ, इसी में हमने आगे कंपनसेशन और इंसेंटिव्स की भी बात करी थी, जिसमें मुआवजा और प्रोत्साहन की बात की थी कि किस प्रकार से हम अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देते हैं। कंपनसेशन पूरा एक पैकेज है जिसमें आप सैलरी के साथ साथ उनको फ्रिंज बेनिफिट्स, उनको इंसेंटिव्स और उनको ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो आपने एम्प्लॉयज़ का किस प्रकार से कंपनसेशन पैकेज तैयार किया हुआ है, उनके मुआवजे को आप किस प्रकार से तय करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या उसको मदद करता है प्रोत्साहन करने में, फ्रिंज बेनिफिट्स, अंशुंगी लाभ जो होते हैं वो किस प्रकार से दिए जाते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मदद करता है अपने कर्मचारियों को अपने संगठन से जोड़े रखने में और अच्छे एम्प्लॉयज़ को आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अट्रैक्ट करने में। व्याख्यान संख्या 12 में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात की थी, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में बेहतर रिलेशनशिप हो, क्योंकि इसके बेहतर होने से आपका कार्य बेहतर होता है, आपकी फंक्शनिंग स्मूथ होती है और आप बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। और इसी में हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की भी बात की थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस कारणवश होता है, या अगर होता है तो उसको हमें ओवरकम करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया दी जाती है। इसके आगे हमने बात करी थी ट्रेड यूनियंस की व्याख्यान संख्या 13 में। ट्रेड यूनियन वो संगठन है जो कर्मचारी बनाते हैं, जो एकजुट होकर वो मिलके अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़ को आगे रखने के लिए बनाई जाती हैं। उसके रोल्स, उसकी इम्पॉर्टेंस, उसके फेजेस के बारे में हमने बात करी थी इस व्याख्यान में। व्याख्यान नंबर 14 में हमने चर्चा करी थी सामूहिक सौदेबाजी की, जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ज़रिया है, एक टूल है, जिसके द्वारा संगठन में ट्रेड यूनियन अपनी बात को आगे रखते हैं एम्प्लॉयर्स के सामने, कि किस प्रकार से एम्प्लॉयर से अपनी बात पूरी करानी है या उनकी जो भी परेशानी है उनको डिस्कस करना है। ये एक बेहतर तरीका है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का एक बेटर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने व्याख्यान 15 में बात करी थी अनुशासन की। अनुशासन क्या होता है, किसी भी संगठन में अनुशासन होना अनिवार्य है। अगर चाहते हैं संगठन अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को अचीव करना, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने कर्मचारियों को वो एक अनुशासित फॉर्म में कार्य कराएं, वो अपने कार्य को समझें कि अनुशासन क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शंस आप क्या ले सकते हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग फार्मूलेज दिए हैं, मैथड्स दिए हैं, जिस प्रकार से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को, अनुशासन को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आया था व्याख्यान नंबर 16, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में बात की थी। आज के ज़माने में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जिसमें जो कंपनी है वो इस बात का हिसाब रखती हैं कि हमारे एम्प्लॉइज़ पर हम किस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं और वो हमें कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉस्ट और बेनिफिट को यहाँ पर एनालाइज़ किया जाता है, क्योंकि संगठन में जो भी मानव संसाधन है उस पर आप बहुत तरीके के खर्चे करते हैं। शुरुआत करते हैं रिक्रूटमेंट से लेके और अंत तक, जब तक वो संगठन में जुड़ा रहता है आपके साथ, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खर्चे आप किसी एम्प्लॉय पर, कर्मचारी पे करते हैं। लेकिन क्या वो कर्मचारी जो खर्चे आप उनके ऊपर कर रहे हैं, भले ही वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रहे हैं, वो उस पर उतना रिटर्न मिल पाता है या नहीं, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू स्टडी करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हमने इस व्याख्यान नंबर 16 में डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा व्याख्यान नंबर 17 था, जिसमें हमने मैनेजिंग और एथिकल इश्यूज़ के बारे में बात करी थी। बहुत ज़रूरी है कि संगठन अपने कार्य को नैतिकता के साथ पूर्ण करें। तो नैतिकता के मुद्दों के बारे में हमने बात करी थी, उसका परिचय क्या है, व्यवसाय में नैतिकता की आवश्यकता क्या है, उसके स्रोत क्या हैं, उसका महत्व क्या है, क्या दुविधाएं आती हैं, एथिकल डिलेमास आते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इसको पूरा करने में, उनके बारे में हमने इस पर चर्चा की थी। उसके बाद हमने बात करी थी फ्यूचर ऑफ HRM की, HRM का भविष्य क्या है। आज जिस तरीके से तकनीकी बदलावियाँ हो रही हैं, जिस प्रकार से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है संगठनों में, तो कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसमें बदलाव लेकर आते हैं और आने वाले समय में जो मानव संसाधन तकनीकियां हैं, जो विषय हैं, उनमें किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी थी, जिसमें हमारा E-रिक्रूटमेंट था, E-सिलेक्शन था, E-परफॉर्मेंस अप्रेजल था। इन सारी चीज़ों पे हमने चर्चा करी थी और कोशिश की थी ये समझने की कि किस तरह से क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, भारत में इसकी प्रथाएं किस प्रकार से चल रही हैं, कैसे ये हमारे संगठनों में बदलाव ला रहा है। उसके बाद हमारा जो व्याख्यान नंबर 19 था, उसमें हमने चर्चा करी थी एम्प्लॉय के प्रेरणा के बारे में, कर्मचारी के प्रेरणा और कर्मचारी के मनोबल के बारे में, कि किस प्रकार से संगठन अपने कर्मचारी का मनोबल बढ़ा सकते हैं, मनोबल की क्या क्या थ्योरीज़ हैं, उन पे हमने यहाँ चर्चा करी थी। जिसमें मुख्य रूप से हमने बात करी थी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में, जो कंटेंट थ्योरी में आती है, एल्डरफर ERG थ्योरी के बारे में हमने बात करी थी, हर्सबर्ग की थ्योरी के बारे में हमने बात करी थी, विक्टर व्यूम की थ्योरी के बारे में हमने बात करी थी। हमने पढ़ा था कि कर्मचारी दो प्रकार के होते हैं, थ्योरी X और थ्योरी Y और थ्योरी Z के कर्मचारी जो हैं वो किस प्रकार से अपना संगठन में कार्य करते हैं। इन सब चर्चाओं पे हमने विषय करी थी अपने व्याख्यान नंबर 19 में। इसके साथ ही हमने एम्प्लॉय के मोरल के बारे में भी डिस्कस किया था और ये बताया था कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कार्य कर रहे हैं उनका मोरल उनके कार्य पर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो हाई मोरल के साथ कार्य करते हैं तो किस प्रकार से संगठन को वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, और जिन एम्प्लॉयज़ का मोरल लो रहता है उनकी परफॉर्मेंस में किस तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और जो व्याख्यान नंबर 20 है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें शुरुआत करी है हमने एम्प्लॉय कम्युनिकेशन के बारे में, कि कर्मचारी संचार जो है वो कितना ज़रूरी होता है, संचार करने से ही बात बनती है। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एवरीथिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बात नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो बहुत ही मुश्किल होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को करने के लिए। तो ये सारे जो हमारे व्याख्यान थे, जो हमने शुरुआत से लेके संख्या नंबर 1 से लेके 20 तक के जो विषय आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसको पूरे विषय को हमने मानव संसाधन प्रबंधन के साथ जोड़ा है। तो आप इन सारे चैप्टर्स को, इन सारे टॉपिक्स को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि आप किन टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसके साथ आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, और आज के साथ हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।